न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। 18 प्लस टीकाकरण पर संकट आया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश केंद्रों पर APL टीकाकरण हुआ बंद। सरकार के वैक्सीनेशन भंडार में भी टीका हुआ खत्म। मुठभेड़ में एक नक्सली हुआ ढेर। सर्चिंग पर निकले DRG जवानों पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल की ओर भागे नक्सली। हथियार समेत सामान हुए हैं बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शुक्रवार की सुबह DRG जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक फायरिंग गीदम थाना क्षेत्र के मुस्तलनार इलाके के जंगलों में हुई। इमरजेंसी मेडिकल केयर का एक साल का पूरा कोर्स। छत्तीसगढ़ के 6 मेडिकल कॉलेजों में 20 मई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। 13 जून तक एडमिशन पूरी करने की योजना है। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच पॉजिटिव खबर आई है सामने। नक्सल प्रभावित 13 गांव में 45 प्लस के सभी 775 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सटे छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित 13 गांव, यहां बिजली मोबाइल नेटवर्क तो दूर की बात है, आने जाने के लिए सड़क तक नहीं है। एक सड़क जरूरी कोटा से होते हुए इन सब में सबसे बड़े गांव गोलापल्ली तक जाती है, जिसे जगह जगह नक्सलियों ने काट दिया है। सड़क किनारे मिली कांस्टेबल की लाश। पुलिस का दावा, सड़क किनारे तार में उलझकर दम घुटा। परिजन बोले ये हत्या है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था सस्पेंड करने की, मिल रही है धमकी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में गुरुवार की रात करीब 12:45 पर एक कांस्टेबल की मौत हो गई। मनरेगा में नया संकट। छत्तीसगढ़ में SC ST मजदूरों को नहीं मिल पा रही है मजदूरी। अफसरों ने कहा केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया है, इसलिए बढ़ रही है दिक्कत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में हो रहे कामकाज के बीच एक नया संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उन्हीं के साथ काम किए हुए दूसरे वर्ग के मजदूरों को हो जा रहा है भुगतान। छत्तीसगढ़ के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। दूसरी लहर से पहले ही बना लिया है क्वारंटाइन सेंटर। हालात इतने काबू में है कि आज तक ताला ही नहीं खुला। 2000 की आबादी में मात्र 1% लोग हुए हैं संक्रमित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अभनपुर ब्लॉक का मानिक चौरी गाँव। कोविड संकट से निपटने की तैयारी इस गाँव ने आसपास के शहरों से पहले ही कर ली थी। अप्रैल में आई दूसरी लहर के पहले फरवरी मार्च के महीने में ही गाँव के सरकारी स्कूल को टाइम सेंटर के तौर पर डेवलप कर लिया गया था, मगर हालात काबू में होने की वजह से अब तक इनके गेट का ताला नहीं खुला है। नई गाइडलाइन की गई है जारी। बिलासपुर में 24 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। शाम 4 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। दोपहर 2 बजे तक मिलेगी सब्जी। संडे को सब कुछ रहेगा बंद। हाईवे पर हादसा। पानी लेने उतरा ड्राइवर और ट्रक में लग गई आग। 45 मिनट तक धधकती लपटों को फायर फाइटर्स ने बुझाया। रायपुर शहर में शुक्रवार को टाटीबंध इलाके में एक हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक आग की चपेट में आ गया। प्रथाओं का सिलसिला है जारी। लॉकडाउन के बीच चुपके से रचाई जा रही थी नाबालिग बच्ची की शादी। खबर मिलते ही पहुंच गई पुलिस और अफसरों की टीम। कोरबा के कटघोरा थाना इलाके में शुक्रवार को एक बाल विवाह का मामला आया है सामने। ये घटना ग्राम पंचायत धवईपुर के आश्रित ग्राम रामनगर की है। महाराष्ट्र की अवैध शराब तस्करी का मामला है सामने। जामुल पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत एक है फरार। अभी तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध शराब की तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों में कोरोना। दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कोविड सेंटर में एक की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। पुलिस करवाएगी इसका इलाज। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ही बाजार खोलेगी सरकार। रायपुर सहित अधिकतर जिलों के लिए आज जारी होगी गाइडलाइन। 17 मई को खत्म होगी लॉकडाउन की अवधि। APL और फ्रंटलाइन वॉरियर के लिए वैक्सीनेशन हो गई है खत्म। नए स्टॉक आने के बाद फिर लगाए जाएंगे टीके। रायपुर के 18 सेंटर पर आज से सिर्फ BPL और अंत्योदय वालों को लगाया जाएगा वैक्सीन। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोपी हुआ है गिरफ्तार। ड्रग विभाग और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर युवा को पकड़ा है। दूसरा है फरार। 6 इंजेक्शन और 6 ऑक्सीजन मास्क हुए हैं बरामद।
राजनांदगांव में महामारी भगाने के लिए की जा रही है पूजा पाठ। कोरोना को माता मानकर हो रही है पूजा। करीब 100 से 150 महिलाओं ने रखा उपवास। एक्सपर्ट का कहना है कि खाली पेट में इम्यूनिटी कम होती है, सतर्क रहें। मुहूर्त पर अशुभ कोरोना का साया। अक्षय तृतीया पर होने वाली दर्जनों शादियां टली। गांव में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती ताकि कोई मैरिज फंक्शन के लिए भीड़ ना बढ़ा सके। डल गया बड़ा हादसा। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग से अचानक तेज हवा के साथ निकलने लगी चिंगारी। खतरे में पड़ गई थी 20 परिवारों की जिंदगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शुक्रवार सुबह सारबहारा ग्राम पंचायत में आग लगने की खबर आई सामने। रायपुर संभाग के गांव में नासमझी की झलक आ रही है सामने। लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि मौत और अपाहिज होने की अफवाह फैल गई है। रायपुर संभाग के कई गांव में टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, बुखार को माता आना कह रहे हैं। प्रशासनिक टीम घूम घूम कर गांव के लोगों को समझा रही है वैक्सीन ही जान बचाएगी। यहाँ कह रहे हैं मर जाएंगे पर वैक्सीन नहीं लगवाएंगी। दुर्ग में बढ़ेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कुछ डील के साथ रहेगी पाबंदियां। कलेक्टर जारी करेंगे इस संबंध में जल्द ही आदेश। दोस्तों इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल Google News छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।